छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13 जुलाई को हल्की बारिश हुई। आसमान में बादल छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से यहां रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश में आज सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कोरबा जिले में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वहीं सरगुजा जिले में 75.7 मिलीमीटर, बलरामपुर जिले में 70 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 63.1 मिलीमीटर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 47.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 227.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 31% तक कम है। 20 जिलों में औसत से कम और 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा में तो सूखे जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। यहां तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे कम तापमान 21.1 डिग्री नारायणपुर में दर्ज किया गया। रायपुर में 33.2 डिग्री, बिलासपुर में 33 डिग्री और अंबिकापुर में 30.9 डिग्री टेम्परेचर रहा। इधर सरगुजा संभाग में पिछले 3 दिनों में अच्छी बारिश हुई है। शुक्रवार शाम यहां आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत भी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल मॉनसून में ब्रेक जैसी स्थिति जरूर बन रही है। बहुत तेज बारिश कहीं नहीं हो रही है। अच्छी बारिश के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है। शिवनाथ और पैरी नदी भी मॉनसून में सूखी पड़ी है। अब तक जिले में 176.8 मिलीमीटर बरसात हुई है। जिले के सभी जलाशयों में जल भराव नहीं के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीटी न्यूज़।